हाई गाइज नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आर चैनल दिस इज आदिशा तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक लैम के इन लिप लॉसिस का रिव्यू आई एम गोइंग टू कवर ऑल द नेसेसरी डिटेल्स इन दिस वीडियो सो प्लीज़ स्टे टून विद मी अटिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड बिफोर मूविंग ऑन लेट मी प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन यह मेरे लिए बहुत मोटिवेशन लाएगा सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स क्विकली गट इन टू दीडियो तो यहाँ पे मेरे पास दो माइग्लैम के के प्ले फ्लेवर्ड लिप ग्लॉसेस हैं और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट दी हुई है ब्रांड ने सो यू कैन पॉज एंड सी इफ़ यू रियली वांट टू एंड यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए हैं वेयर आई कैन सी टू ऑफ़ द इंग्रेडिएंट्स विटामिन ई एंड होहोबा ऑयल व्हिच मेक्स दिस लिप ग्लॉस रियली नरिशिंग ऑन लिप्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेड नेम हमें मिल जाता है और इसका है एप्पल क्रंच आपको इस प्रोडक्ट की शेफ़ लाइफ मिलेगी थ्री इयर्स एंड एमआरपी आर पी रुपीज़ फाइव नाइन्टी फाइव खैर आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं ब्रांड की तरफ से ऑन देयर ओन ऐप और वेबसाइट और इस तरह की जो पैकेजिंग है वो सारे के प्ले प्रोडक्ट्स की कॉमन है यहाँ पे मैंने लिप ग्लॉस को पैकेट से निकाला हुआ है यू कैन सी द शेड नेम अगेन ऑन द एच ऑफ़ द प्रोडक्ट एप्पल क्रंच द नेट वेट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ फोर पॉइंट सेवन एम एल ये जो बॉटल है इट सीम्स लाइक ग्लास मटीरियल तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज ड्रॉप करने पर यह शायद ब्रेक हो सकता है एंड यहाँ पर जो कैप है दट्स लाइट पिंकिश इन कलर लुक्स रियली ब्यूटिफुल सो द पैकेजिंग लुक्स रियली डिसेंट मी ओके सो वी हैव कॉट शेड नंबर टू हेयर विच इज़ अ पिंकिश शेड और शेड का नेम है पैशन फ्रूट क्रश आई गेस या सो दिस इज अगेन रिटन ऑन द एज ऑफ द बॉटल और इसमें अच्छी बात यह है कि आप बॉटल उठाते ही समझ जाए कि कौन सा शेड आपने पिक किया है बिकॉज इट्स ट्रांसपेरेंट एंड द साइज ऑफ द बॉटल इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ माई पाम सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट शेड दिस शेड इज़ फ्राम मनीष मल्होत्रा रेंज एंड दिस इज़ अ लाइट पीचिश काइंड ऑफ शेड एंड एज यू कैन सी द शेड नेम इज रेट्रो रोमांस द नेट वॉल्यूम ऑफ दिस वन इज अराउंड फाइव एम एल और सेम इसमें भी थ्री इयर्स की शेल्फ लाइफ है बट इसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करें तो ये वन जीरो फाइव जीरो का आता है एज़ कम्पेयर टू द के प्ले लिप ग्लॉसेस विच आर फॉर फाइव नाइंटी नाइन बट देन अगेन यू माइट फाइंड गुड डिस्काउंट एंड इफ यू कंपेयर द पैकेजिंग ऑफ बोथ तो मनीष मल्होत्रा वाला जो लिप ग्लॉस है वो आपको दिखने में थोड़ा टाइम दिखेगा के प्ले लिप ग्लॉस के कंपेरिजन में बाकी द साइज ऑफ दिस लिप ग्लॉस इज़ द सेम लाइक द साइज ऑफ माई पाम एंड इट्स वेरी वेरी लाइट वेट यू कैन ईजीली कैरी इट एनी वेयर एंड ऑल्सो द मटीरियल इज़ द लिटिल प्लास्टिक ही नॉट लाइक केपले जिसका ग्लास जैसा मटीरियल लग रहा था एंड एज यू कैन सी इसमें थोड़ा शाइनी पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं लिप ग्लॉस के अंदर सो दीज आर द थ्री लिप ग्लॉसिज दैट वी आर गोइंग टू बी स्वाचिंग नाव ऑन द लिप्स डायरेक्टली सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट शेड यहाँ पर जो पहला शेड मैं ले रही हूँ वो है पैशन फ्रूट क्रश एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्लेजेंट पिंक शेड अभी समर्स अप्रोच कर रहे हैं एंड यू कैन नाइसली कैरी दिस शेड एनी वेयर इन समर्स आई पर्सनली लव दिस शेड एक बहुत ही अच्छा फ्रेश लुक दे देता है ये फेस के ऊपर एज सोन एज यू अप्लाई दिस फॉर ऑल दोज हु लव शाइन ऑन देयर लिप्स दिस इज अ परफेक्ट शेड

Apple Crunch. This is a reddish shade. Let's check the swatch of this one. So, a proper red shade, I would say. And again, meant for all types of skin tones. And let's check this shade on my lips. It looks really pleasant. Again, you can very easily carry this in summers. It will really bring a very nice look on your face. Instantly, it will brighten up your face. And I think this is going to be my second favorite shade after Passion Fruit Crush, to be honest.

लिपस्टिक ऑलरेडी लगाई हुई थी नाउ आई एम अप्लाइंग द लिप ग्लॉस इन फ्रंट ऑफ यू अब आप देख सकते हैं कि वो जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी इसका काफ़ी अच्छा यू नो शेड निखर के आ रहा है ये लिप ग्लॉस लगाने के बाद एंड इट्स इक्वली लुकिंग गुड विद और विदाउट लिपस्टिक नाउ सेकेंडली आई एम अप्लाइंग पैशन फ्रूट क्रश ओवर दिस लाइट पिंक लिपस्टिक जो मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है अब मैं लिप ग्लॉस लगा रही हूँ एज यू कैन सी एंड दिस अगेन विल लुक लाइक दिस तो अगेन जो पिंक लिपस्टिक ऑलरेडी मैंने लगाई थी उसके ऊपर ये लिप लॉस काफ़ी अच्छा लग रहा है सो विद और विदाउट लिपस्टिक मुझे ये दोनों ही पसंद आए दोनों ही शेड्स काफ़ी अच्छे हैं एंड नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड शेड जो मनीष मल्होत्रा वाला है अगेन मैंने पिंकिश लिपस्टिक ऑलरेडी लगाई हुई थी आई एम गोइंग टू गो ओवर द लिपस्टिक विद दिस शेड तो जो भी आप शेड लिपस्टिक का चूज़ करेंगे उसको ये काफ़ी अच्छी शाइन दे रहा है देखिए एंड आई थिंक मनीष मल्होत्रा वाला जो है वो बेटर रहेगा कि आप किसी भी लिप

or any of your valuable suggestions. So yeah, keep loving and keep supporting and until we meet the next time, stay tuned and stay safe.